Welcome back to my channel. Glad with me. अच्छे हो ना आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ. अच्छा तो होना ही पड़ेगा, है ना? आज ना मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज को लेके बात करूंगी जो मुझे क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा नहीं, पर आई थिंक मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेरे जैसा आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ये कभी ना कभी मतलब महसूस किया होगा. टॉपिक ये है कि हमने जब गाड़ी लिया था उसके बारे में सब लोगों का रिएक्शन कैसा था, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आप लोग कैसा रिएक्शन था बताऊंगी. पहले मैं खाना बना लूं. मैं एक लौकी की सब्जी बना रही हूँ जो बहुत ही डिफरेंट है नॉर्मल लौकी की सब्जी से. वही अनियन, गार्लिक, जिंजर, ओ मतलब वो सब पेस्ट वेस्ट देके नहीं, थोड़ा सा अलग. मेरी ताईजी ये रेसिपी बनाती थी. आपके साथ पहले ये शेयर करो, फिर वो शेयर करती. कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है. ऑयल में मैं डाल दूंगी एक या दो तेज पत्ता, और डालूंगी मैं थोड़ा सा एक चम्मच फुल जीरा और एक ग्रीन रेड चिली. बस इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी एक 10 सेकंड के लिए. फ्लेवर आने लगा है तो इसमें मैं अभी डाल दूंगी लौकी. लौकी जो है ना वो मैंने बहुत ही थिन स्लाइसेस में चॉप किया था, और इसको अभी मैं फ्राई करूंगी थोड़ा सा. जब तक कि ना ये पक जाए तब तक मुझे इसको फ्राई करना है. लौकी एक बहुत ज्यादा वाटर बेस्ड सब्जी होता है ना, इसमें पानी ज्यादा रहता है. तो देखो ये थोड़ा सा कुक होने पे ना पानी छोड़ने लगता है, तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी. इसको आप वाइट वाइट भी बना सकते हो विदाउट हल्दी, ज्यादा हल्दी डालने की जरूरत नहीं है. और डालेंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार, और डाल देंगे थोड़ा सा चीनी. इसके अंदर थोड़ा सा चीनी डालना, चीनी डाल के ना ये थोड़ा सा मीठा मीठा सब्जी होता है, अच्छा लगता है. इसके अंदर आप क्या बोलते हैं बोड़ी को, वो भी डाल सकते हैं, या तो पकोड़ा बना के डाल सकते हैं. इसको अभी ढक्कन लगा के मैं 5 मिनट कुक करूंगी ताकि लौकी पूरा बॉयल हो जाए. सो जब मेरा लौकी पक रहा है उस टाइम पे मैं उसका मसाला बनाती हूँ. मसाला थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच दूध लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक डाल रही हूँ. मैं डाल दूंगी मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच के बराबर जीरा पाउडर, ज्यादा नहीं. और यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 चम्मच घी, और इन सारे चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी. तो घी दूध में डालने से ना दूध कैसे फट जाता है, विच इज मतलब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कई बार होता है, कभी बार नहीं भी होता है. तो इसको मिक्स कर लिया है मैंने. लौकी का कलर देख के पता चल जाता है बॉयल हो गया है कि नहीं. तो बॉयल हो गया है. इसके अंदर मैं जो दूध का मिक्सचर बनाया था वो मैं डाल दूंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के डाल दूंगी. अगर आप इस तरह से कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करना. इससे बहुत अच्छा यम्मी फ्लेवर आता है, और काफ़ी डिफरेंट होता है टेस्ट भी. और इसको मैं मिला दूंगी, और आप चाहे तो इस तरह से ग्रेवी में भी खा सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा सूखा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी. मेरी ताई जी का भी एक चैनल था रत्ना भट्टाचार्जी मायर हेशिल बोल के. एक्चुअली उनका एज बहुत ज्यादा है, और बीच में जो है ना वो आंख में प्रॉब्लम हो गया था, छानी बोलते हैं उसको, छानी ऑपरेशन, आई डोंट नो क्या बोलते हैं हिंदी में. तो उसके लिए कुछ दिन के लिए वो स्टॉप हो गया था उनका चैनल. और अभी जो सिचुएशन है ना बहुत खराब है, ऊपर से अभी उनका तबीयत उतना भी अच्छा नहीं रहता है, तो इसीलिए उनका चैनल में कभी वीडियो आता है कभी नहीं आता है. पर आप में से बहुत सारे लोग उनको भी, उनके चैनल को देखते थे. मुझे मैं देखती थी कमेंट सेक्शन में, बड़ोमा ऐसे करके बोलते थे आप लोग. तो अच्छा था उनका चैनल भी, पर अभी वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं. तो ये सब जो रेसिपी है ना मैं उनके पास से मैंने सीखा है. मैं क्या, मेरे सारे जो मैंने चाचियां है ना, 3 चाचियां, मतलब वो मेरी बड़ी चाची है, चाची नहीं बड़ी माँ है, मेरी मम्मी सबसे छोटी है. तो बाकी सारे 3 जो है ना सभी उनसे ही सीखे है. मेरे बुआ जो है ना वो भी उनसे ही सीखा है. तो मैं, हम लोग भी उनसे सीखे हैं. तो ये वो बनाती थी. ये सब जो रेसिपी होगा ना थोड़ा सा ऑथेंटिक बंगाली आप बोल सकते हो. इसको लावे झाल ऐसे ऐसा ही बोलते थे, पर इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालते थे, जो मेरे घर पे अभी उग रहा है धनिया पत्ता. चलो मैं आपको धनिया पत्ता दिखा के लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं. देखो कितना सारा धनिया पत्ता उगा है, पर ये ना फ्लावर आ रहा है. फ्लावर आने की क्या जरूरत थी, पहले थोड़ा सा पत्ता हो जाता हम खा लेते. और ये देखो कितने सारे फ्लावर आया है आज. ये ना सब बाहर की तरफ होता है, मुझे एकदम बुरा लगता है. 3 फ्लावर हुआ है आप देख सकते हो, और ब्लू वाला भी हुआ है. ये तो बीच बीच में होता है ना, ये वाला देखो तो दिखाई नहीं देता है, कहाँ गया. आप देख रहे हो क्या, ये वाला देखो
हाँ ये ब्लू वाला। और एक चीज मैं दिखाती हूँ, ये जो लीली फ्लावर है ना ये वाला, इसमें बहुत सारे कलियां आ रहा है। जनरली कभी भी ऐसा एक साल में नहीं हुआ। ये देखो ये वाला एक है और कहा गया, ये देखो इधर एक हो रहा है, ये कलिया है और इधर भी हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत सारा हुआ है। कहा गया ये देखो, इधर 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 हुआ है और एक बड़ा भी हो गया है। ये देखो ये 2-3 दिनों में होगा। अच्छा है ना। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि देखो 10-12 दिन बाद मैंने शैम्पू किया है, तो फिर से आई थिंक फिर से 10-12 दिन के बाद ही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से धूप नहीं आ रहा है और मुझे ना बहुत ज्यादा जुकाम का मतलब मेरा टेंडेंसी रहता है, तो डर के मारे मैं शैम्पू नहीं कर रही। शैम्पू करने से ज्यादा होता है मुझे जुकाम अगर बाल प्रॉपरली नहीं सुखाती हूँ तो। सो आते हैं मेन टॉपिक पे कि रिएक्शन कैसा था। तो फैमिली मेंबर हम लोग 5 हैं, मैं, मेरे हस्बैंड की मम्मी पापा और मेरी मम्मी, तो ऑब्वियसली सब खुश थे क्योंकि ये हमारा सबका ही कार है ना, पांच लोगों का ही कार है, तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत खुश थे। क्योंकि मैं अनिर्बन दोनों ही बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस से गुजर के जो है ना बड़े हुए हैं, तो हम अगर अपने बलबूते पे कुछ कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली, अगर आपके बेटा या बेटी अपने बलबूते पे कुछ करती है तो डेफिनेटली मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है, तो सब लोग खुश है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ। तो मैक्सिमम रिलेटिव्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो लोग बहुत मतलब पास है हम लोगों की, दिल की पास है, तो सबको हमने वीडियो कॉल वगैरह करके दिखाया, सब बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। कुछ मेरे रिलेटिव्स तो रो भी दिए कि हाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, वो अलग थे। पर कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी थे जिन्होंने सुन के ऐसे बोला कि ओ अच्छा तुम लोगों ने गाली ले लिया, मतलब उनकी बात सुन के असल फील हो रहा था कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप जितने भी वो छुपाने की कोशिश करो ना, पर ये आ जाता है सामने, अगर आप किसी की तरक्की से खुश नहीं हो तो आ जाता है सामने। सबका मतलब एक ऐसा रवैया है कि हम दोनों के दोनों ही जो है ना बहुत खराब सिचुएशन से उभर के बड़े हुए हैं, हमारी जो एडुकेशन है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे, मेरे लिए मैं बोल रही हूँ, मेरे पापा नहीं थे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि मैं तो, मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगी और किसी के साथ भाग के शादी कर लूंगी, क्योंकि मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे ऊपर तो वो गाइडलाइन ही नहीं है ना, एक अकेली औरत कैसे अपने बेटी को मतलब करती है एस्टैब्लिश, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ सोसाइटी में ना हम लोग अभी भी ऐसा बहुत फेस करना पड़ा मेरे बचपन से, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे, तो कुछ लोगों को बुरा लगा थोड़ा बहुत, हाँ, क्योंकि नहीं उनका अच्छा नहीं लगा कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, ये तो साफ था। सेकंड मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स बचपन से ही मुझे अवॉइड करते थे, उसका बहुत सारे रीजन है, उनका गलती नहीं है, मेरा भी गलती है। पापा गुजरने के बाद कुछ ऐसा माहौल बन गया था ना कि मैं खुद ही बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गई थी, तो वो उनका गलती नहीं है। पर जिस टाइम से मैं मिलने लगी, घुल मिलने लगी, उस टाइम से भी मैंने देखा बहुत सारे लोग मुझे अवॉइड करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पापा नहीं है, और ऐसे बिहेव करते थे कि हम थोड़ा सा लोअर क्लास में बिलोंग करते हैं क्योंकि मेरे पापा नहीं है। लोगों का ऐसा एक रवैया था कि हम लोग दूसरों से मांग मांग के शायद लाइफ स्टाइल गुजारा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारी पूरी मेरी पापा गुजरने के बाद शादी तक एक भी दिन किसी से मेरी मम्मी ने एक भी पैसा नहीं लिया, जो कुछ भी था हम लोगों का, जितना हमारा फिनेंशियल कंडीशन था उसमें मैं बड़ी हुई हूँ, किसी की हेल्प मैंने नहीं लिया। पर हमको बहुत सारे हेल्प मिला, जैसे मेरे जो बड़े पापा थे हम उनके घर में ही थे 6-7 साल, अभी भी मेरी बड़ी माँ, मेरी दीदी, मेरी दादा, वो लोग मेरे माँ बाप से कम नहीं है, ये मैं कितनी भी बार बोल चुकी हूँ। मेरी बुआ, ये लोग, मेरे और सारे चाचू, मैंने, ये लोग ना अलग है मेरे लिए, वो लोग वो हेल्प नहीं है, मतलब मम्मी पापा अगर आपके लिए कुछ करते हैं ना तो मन से करते हैं, तो वैसा ही है। सो
लोगों का ऐसा एक रवैया मैं बचपन से फेस करती आई हूँ। अगर आपका भी बचपन में पापा गुजर गए होंगे ना, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा जो है ना सोसाइटी चेंज हो रहा है, पर कुछ साल पहले की मैं अगर बात करूँ ना, तो बहुत फेस करना पड़ता था, मैंने बहुत फेस किया है। तो फ्रेंड सर्कल में मेरा ऐसा एक था कि वो लोअर क्लास में बिलोंग करते, उसके साथ बात मत करो, ऐसा था कुछ लोगों का रवैया मेरे तरफ। पर मैं कभी भी उन सारे लोगों के साथ ज्यादा घुलती मिलती भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गई थी, क्योंकि मेरा मानसिक स्थिति तब वैसा ही था। पर जब से हमने गाड़ी लिया है, मैंने अब नोटिस किया है, जो लोग उस तरह से मुझसे मतलब दूरियां रखते थे, वो लोग अचानक से मुझसे बात करने लगे, लाइक कि हम लोग बहुत पुराने बहुत अच्छे दोस्त थे। पर मुझे याद है कि जब मैं कुछ नहीं थी तब आप लोगों ने मुझे अवॉइड किया था। अभी आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर हायर क्लास हो रही हूँ, तो इसीलिए आपको बात करना अच्छा लग रहा है। किसी को नहीं पता हमारे लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, हो सकता है 2 दिन बाद फिर से डाउनफॉल हो जाए हमारे लाइफ में, सब कुछ हो सकता है। उस टाइम पे फिर ऐसा ही करेंगे ये लोग जो पहले करते थे। और कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मेरा बचपन से अच्छा रवैया था, वो लोगों ने ना मैंने देखा नोटिस किया थोड़ा सा अभी डिस्टेंस रखने लगे कि क्यों ऐसा हो, तुम अपने बलबूते पे कर रहे हो, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोच के शायद कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मैं गलत भी हो सकती हूँ। पर कॉलेज लाइफ के मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं ना, उसमें से मैक्सिमम मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बॉयज हैं, और उनके साथ मेरा अभी भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छा, वो सब कुछ इतना सपोर्टिव है। मैं मेरे जो सर है जिनके पास मैंने ऑनर्स पेपर का मतलब पढ़ाई किया था, वो इतने अच्छे हैं ना, अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो पहले मैं सर को कॉल करती हूँ। सो सर बहुत सपोर्टिव है, बहुत खुश हुए थे जब मैंने दिखाया उनको वीडियो कॉल करके। तो ये मेरी फ्रेंड सर्कल की बात। अब आते हैं आप लोगों के ऊपर। अरे राम, मतलब लोगों की सोच कितना घटिया हो सकता है। अगर आप एक यूट्यूबर है ना, तो आपको सबसे ज्यादा पता रहेगा कि एक किसी ने ना मुझे लिख दिया कमेंट में डायरेक्ट कि पहले जब तुम वो वाले घर में रहती थी ना, बेड अच्छा था ना, एक कुर्सी अच्छा था ना, कुछ था, एसी कुछ नहीं था, तब अच्छी लगती थी, आप भी सब कुछ खरीद रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिख दिया पूरा। आप समझ लो कि कितना जेलसी लोगों की हो सकती है कि कोई अपने लाइफ में तरक्की कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उनको बुरा लग रहा है, डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया, मतलब शर्म की हद पार हो गई उनकी, लिख दिया डायरेक्ट। तो उस घर में जब रहती थी हम लोग, तो उस टाइम पे मैं आपको बताती, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते थे कुछ नहीं है घर पे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं खरीदते हो। तो देखो हम, मैं और अनिर्बन ना हमेशा ही बहुत सोच के सब कुछ ऐसे ही करते हैं, बहुत सोच के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये सोच के काम करते हैं। जब उस घर में हम लोग रहते थे, हमारा कोई कन्फर्मेशन नहीं था कि हम हैदराबाद में सेटल होंगे, उसके क्योंकि उसका नौकरी का एक चेंज का मामला चल रहा था, तो इसीलिए हमने कुछ नहीं लिया था और बहुत ही कम चीजों में हम गुजारा करते थे, सर्वाइव करते थे। उसके बाद एक डेढ़ साल बाद हमको पता चला कि नहीं, हम इधर ही सेट होने वाले हैं, तब से हमने घर ढूंढना स्टार्ट किया। फिर ये घर बहुत अच्छा मिला हम लोगों को, फिर इस घर में आके हमने एक के बाद एक सारे चीजें लिया, और हमारे हिसाब से जितना हो सकता है, जितना जरूरत है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उसी हिसाब से सब कुछ लिए थे। तो उसमें लोगों को बुरा लग गया, पहले बुरा लगता था कि हमारे घर में कुछ नहीं है, अभी बुरा लगता है कि हमारे घर में सब कुछ है। मतलब आप लोग क्या इसको फर्नीचर की शॉप समझते हो क्या? मतलब अगर है तो बुरा है, अगर नहीं है तो और बुरा है। मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लोगों का मतलब क्या है, मतलब कुछ भी करोगे लोग आके आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल के जाएंगे। किसी एक ने तो ऐसा लिख दिया, अभी आपको कुछ लोगों को पता रहेगा मेरा सिचुएशन कैसा है, हम लोग घर से नहीं निकल सकते हैं, मतलब बाहर ही नहीं जा सकते, तो गाड़ी तो छोड़ी दो, पहले हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते थे, वो भी अभी बंद है। तो किसी ने मुझे ऐसा कमेंट किया बंगाली चैनल में, तू तरह करके गाली दे के कि अच्छा हुआ अब तू नहीं निकल सकती है घर से, अच्छा है अब गाड़ी का देख क्या होता है, अब तो गाड़ी चला भी नहीं सकती है, अच्छा हुआ। मतलब अब समझो कि फ्रस्ट्रेशन कितनी हद तक लोगों की हो जाती है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पास ये है पर आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो लोग उसमें भी आके खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ, ठीक हुआ। तो वैसे मैं इन सारी चीजों में कभी भी पढ़ती नहीं हूँ,
क्योंकि ऑनेस्टली जो लोग ऐसे मेंटेलिटी से बिलोंग करते हैं उनके बातों में पढ़ना भी नहीं चाहिए, पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑनेस्टली मेरे लिए खुश हैं। आई थिंक 95% मेरे व्यूअर्स बहुत खुश थे कि हम अगर एक छोटी सी चीज भी खरीदते हैं ना वो लोग खुश रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दिल से खुश होते हैं। अगर मैं बीमार पड़ती हूँ वो लोग जिस तरह से मेरे ख्याल रखते हैं, मतलब हर बार पूछते हैं कैसे हो कैसे हो, एक चीज छोटी छोटी चीज को लेके मुझे बोलते हैं कि ये करो वो करो अच्छा रहोगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही लाइफ का आई थिंक सबसे अच्छी चीज होता है, जो लोग अच्छे हैं ना उनको दिमाग में रखो, जो लोग ऐसे थोड़ा बहुत करते हैं उनको दिमाग में नहीं रखो। क्योंकि मैं ऑनेस्टली एक यूट्यूबर होने के हिसाब से मुझे ज्यादा पता चलता है, क्योंकि एक ओपन फोरम है। आपके लाइफ में भी ऐसा सेम होता होगा, आपको पता नहीं रहता होगा क्योंकि आपका लाइफ ओपन फोरम नहीं है शायद, और लोग आके आपको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, पर आई थिंक बीच में मतलब दूसरों के साथ बात करते होंगे, ये तो कभी कभी सबको पता रहता है। सो ऐसे करके लाइफ चलता है। पर मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जो लोग अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आप अगर आप जीरो हो उस टाइम पे जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत तरक्की करते हो उस टाइम पे भी जो लोग सपोर्ट करते हैं वही लोग जो है ना असली फ्रेंड होते हैं। जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड रानू है उसके साथ मेरा बचपन से दोस्ती है, वो अलग किस्म की फ्रेंड है। वो उसके साथ मेरा जो रिलेशन है वो अलग है, ऐसा रिलेशन बहुत कम दोस्तों में होता है आई थिंक। पर उसके साथ मेरा झगड़ा भी ज्यादा होता है किस चीज को लेके, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ उसके लिए। सो वही रहेंगे आई थिंक, क्योंकि और कोई उसके जैसा मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता। हाँ, सात जन्म का फ्रेंड है मेरी। बचपन से हम दोनों बोलते थे कि तू तो मुझे सात जन्म का मतलब सात जन्म हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, तो आई थिंक अभी भी ऐसे ही है और बाद में भी ऐसे ही रहेंगे। सो चलो मैं फिर मिलती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। आप बताना नेक्स्ट किस व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, और नेक्स्ट किस चीज के ऊपर मैं आपके साथ बात करूँ, क्योंकि आप लोगों को आजकल मेरा गप्पे अच्छा लगने लगा है। सो कीप ऑन वॉचिंग, कॉमेंट करने मत भूलना, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।